हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एग्जाम आपके फिनिश हो चुके थे कुछ टाइम पहले, और अभी सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी वेकेशंस। कुछ लोग घूमने गए हैं, कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, कुछ लोग घर पे एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स मोड में हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछा जा रहा है वो ये है, क्या हमें नेक्स्ट लेवल के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हमें अभी से फोकस करना ज़रूरी है कि हम कब से पढ़ना शुरू करें हमारे नेक्स्ट लेवल के लिए। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो किस तरह से गए हैं। अगर हमें लगता है हमारा रिजल्ट फेवरेबल है, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल आपको अभी से ही नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ में जो हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है वो है ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन का फॉर्म भी हमने फिलअप कर रखा है, तो हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी आएंगे इन बिटवीन। नॉर्मली वो होते हैं यूनिवर्सिटीज में ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल, कहीं कहीं पे जून एंड जुलाई में भी होते हैं, तो हमें ग्रेजुएशन को भी कंसिडर करना है एंड सीए इंटर को भी। तो सीए इंटरमीडिएट का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो होगा नवंबर 2019 में, क्योंकि 1 ईयर का गैप जरूर होता है फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के बीच में। तो जब अगले नवंबर में हमारा एग्जाम है तो कितना टाइम बचा है अभी? 11 मंथ्स। अगर हम रिजल्ट का वेट करते हैं तो उसके बाद में कितना टाइम बचेगा? अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। क्या 9 मंथ्स हमारे लिए सफिशियंट होंगे? तो सीए इंटर में आपको जैसे कि पता होगा देर आर 8 सब्जेक्ट्स। 8 सब्जेक्ट्स अगर आपको पूरे कवर करने हैं तो 9 मंथ्स थोड़े कम पड़ जाते हैं, 9 मंथ्स थोड़े से हमें कम लग जाते हैं। तो इससे बेटर क्या है कि हम अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके फोकस करना शुरू कर दें। तो हमें कौन से सब्जेक्ट्स पहले करने चाहिए और कौन से बाद में? तो उसके लिए आप अपना ग्रेजुएशन एंड सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस मैचअप कर सकते हैं। मैच करने से आपको पता लगेगा कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, तो जो सब्जेक्ट कॉमन है, जो टॉपिक कॉमन है, उसको आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल से कर लें या उससे रिलेटेड जो बुक्स है उसमें से आप गो थ्रू करें, स्टडी करें। तो अगर आपने पहले से ही ये पढ़ना शुरू कर दिया तो उससे इफेक्ट क्या होगा, विद इन 2 to 3 मंथ्स जो सब्जेक्ट कॉमन है वो आपका पहले ही फिनिश हो जाएगा ग्रेजुएशन के साथ में। तो 8 में से 2 to 3 सब्जेक्ट्स हमें पहले कवर कर लेनी चाहिए। अब कवर करना है तो कैसे कवर करें? क्या हमें सेल्फ करना चाहिए या फिर हमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए? तो यहां पर मैं ये मानता हूं सबका जो पढ़ने का तरीका है वो अलग होता है। कुछ लोग सेल्फ पढ़ सकते हैं, कुछ के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन पहले ज्वाइन करना जरूरी है और कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आपको पहले ज्वाइन करना है तो ये ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन के एग्जाम जब आपके आएंगे तो जो आपकी कोचिंग है वो अफेक्ट ना हो जाए उन ग्रेजुएशन के एग्जाम की वजह से। तो इसलिए जहां भी आप अपनी कोचिंग के लिए जाएंगे तो आप एक बार जरूर वो देख लें उनका स्केड्यूल क्या है, एंड आपके एग्जाम्स जो है इन बिटवीन तो नहीं आ रहे हैं, वो आप एक बार कंसिडर कर लें। देन अगर हमें कोचिंग बाद में करनी है तो हम पहले क्या कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट कॉमन है उसके ऊपर सेल्फ पढ़ना अभी से ही शुरू कर दें, जैसे कि कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग आपके पास बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी होती है एंड सीए इंटरमीडिएट में भी है। तो इस तरह के कुछ और भी टॉपिक्स है जो कि कॉमन है, जैसे कि लॉ। तो लॉ अगेन आपके सीए इंटर में है एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है। देन इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पार्ट वो भी कॉमन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन कॉमन टॉपिक्स को पहले कवर कर सकते हैं, फाइन। अब ये कवर करना है तो सेल्फ के अलावा अगर हमें गाइडलाइंस सही है तो वो हम कहां से लेंगे? तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी ऐसे कॉमन टॉपिक्स है उस पे जो डाउट्स है वो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। तो जितना पॉसिबल होगा उसके ऊपर वीडियो बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व होती रहेगी, प्लस सीए इंटरमीडिएट का जो आपका पार्ट है वो भी अभी से कवर होना शुरू हो जाएगा। तो सीए इंटरमीडिएट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो भी उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा, चाहे वो एफएम का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है या कॉस्टिंग है। तो तीनों के ऊपर आपको कुछ वीडियोस बिल्कुल मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको फोकस करना है किस पे, सीए इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन के कॉमन टॉपिक्स पे। तो पढ़ना कब से शुरू करना है, तो एग्जाम एंड होने के बाद आप नॉर्मली 1 वीक या 10 डेज का ब्रेक ले सकते हैं, उसे ज्यादा का ब्रेक मेरे अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो अब हमें डेली कितने आवर्स की स्टडी रिक्वायर्ड होगी, तो अब देखें सीए इंटरमीडिएट का पास्ट अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली रिजल्ट रहता है 15%, 20%, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा भी होता है। तो एवरेज अगर हम माने कि 20% स्टूडेंट पास हो जाते हैं, तो 80% जो रह जाते हैं उनके पास नहीं होने का रीजन क्या है? 80% स्टूडेंट के पास नहीं होने का रीजन क्या है? उनका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो पढ़ना लेट स्टार्ट करते हैं, फोकस लेट करते हैं। अगर लेट स्टडीज हम करेंगे तो हमारा कोर्स बराबर कंप्लीट नहीं होगा, हमारा रिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, और इन सब की लैकिंग की वजह से हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है और सारी की सारी बदनामी हम इंस्टीट्यूट को या किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। जबकि ये कोशिश हमें करनी चाहिए पहले कि हम जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स फिनिश करें। तो अभी हमें क्या करना है कि day 1 से ही, यानी कि नवंबर एंड से ही, हमें हमारे एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अभी से चलेंगे तभी आप आराम से पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक जो लोग अचीव करते हैं तो उनका तरीका यही है कि वो नवंबर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं अगले एग्जाम के लिए। तो अब अगर हम नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कितने आवर्स हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बात थोड़ी सी अलग है, इंटरेस्टिंग है और बहुत कम लोग उसके ऊपर ध्यान देते होंगे। अगर आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा, जो लोग लाइक सीए फाउंडेशन या सीपीटी पास करके सीए इंटरमीडिएट में गए हैं और सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे दिया है या सीए फाइनल में आगे पहुंच चुके हैं, तो उनमें से काफी लोग ऐसे होते हैं जो पहले बहुत थिन थे लेकिन कुछ टाइम बाद में उनकी हेल्थ बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो काफी सारे लोगों की हेल्थ बढ़ जाती है, सबकी नहीं बढ़ती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, बट मोस्ट ऑफ देम की जो बॉडी है वो बढ़ने लग जाती है। बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि हमें ज्यादा सिटिंग देनी पड़ती है, कोचिंग के लिए जाना है तो 7 से 8 घंटे वहां बैठना है, घर पे होमवर्क करना है तो 4-5 घंटे फिर बैठना है। तो हमारा जो रूटीन है वो इस तरह से हो जाता है कि हमारी बॉडी में फैट्स इकट्ठे होने लग जाते हैं, फैट्स बढ़ने लगते हैं, और जब बॉडी में इस तरह से फैट्स बढ़ेंगे तो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी डाउन होने लगती है, और जब एफिशिएंसी डाउन होगी तो रिजल्ट आपका प्रॉपर नहीं आता है। तो हमें उसके लिए करना क्या है, तो day 1 से धीरे धीरे एक्सरसाइज करते रहें, चाहे घर पे जाएं या किसी क्लब में जाएं, कहीं पर भी जाएं, पर डेली एटलीस्ट 1/2 hour to 1 hour आपको अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए, डेली आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या होगा, हमारी बॉडी फिट रहेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, स्टैमिना बढ़ेगा, और उसका रिजल्ट हमें स्टडीज पर भी देखने को मिलेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि 1 घंटा हम एक्सरसाइज में वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो आपने 1 hour दिया है तो आप 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर पाएंगे, तो वहां पर आपका टाइम वापस सेव हो जाएगा। तो इसलिए आपको अभी से ही इन सारी चीजों पर ध्यान देना है, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर अपनी बॉडी पे हमने वर्क किया है तो हमारा माइंड भी तो उसी का पार्ट है, और माइंड की रिक्वायरमेंट सीए के लिए आपको पता है कितना जरूरी है। तो बॉडी फिट रहेगी तभी हमारा माइंड जो है फिट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना लें। अगर फिर भी इसमें आपको कोई दिक्कत आती है कि मुझे ये दिक्कतें हैं, तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जितना भी पॉसिबल हुआ मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही शेयर करना था, एंड आगे वाले जो वीडियोज है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जो कि कॉमन है बीकॉम एंड सीए इंटरमीडिएट में, ठीक है। So till then, bye bye, take care.